तो कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में बताया, साथ ही किसानों की मांगों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। सुनिए। इस बारी जो है 20-25 तो मेरे प्रश्न गए हैं बहुत अहम मुद्दों पर, साथ ही साथ 8 कॉलिंग अटेंशन गए हैं, वो भी सारे के सारे बहुत ही जो ऐसे मुद्दे हैं जो पूरा वाकिफ रखते हैं जनहित के, उनके ऊपर लगाया है। कृषि प्रदेश है हमारा, और जब ये काले कानूनों को, जो 3 काले कानूनों को रद्द किया गया था करीब 2-2.5 साल 3 साल पहले, तब और आंदोलन को, जब किसान आंदोलन को हटाया गया था, तब ये कहा गया था, किसानों को वायदा करा गया था कि उनको जो है MSP का दर्जा दिया जाएगा, लीगल दर्जा जो है उनको मिलेगा, तो वैधिक दर्जा पूरा दिया जाएगा। लेकिन आज इतने साल पूरे हो गए, केंद्र ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब जो है बड़ी बड़ी अपने पीठ थपथपाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज किसान की हालत जो है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। केंद्र को हम एक प्रस्ताव ही पास करके भेजना है कि भाई MSP का वैधिक दर्जा आप दो, खाली इतना करना है और कुछ नहीं। सर्वसम्मति से अगर ये जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी,